अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी YouTube फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह आप सबको अपने हिस्से ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से, शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, आमर के लिए, मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए क्या करे कि अल्लाह हम सबको अपने हिस्से ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से, शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज। वीडियो शुरू करने से पहले जो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम आपी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, हिरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बवा मिलती रहे। और सुनाए कैसी है मेरी प्यारी प्यारी से यूट्यूब फैमिली। दो तीन बहनों ने फरमाइश की थी कोफ्तों की, तो आज लेके आई हूँ आपके लिए कोफ्तों की रेसिपी। बहुत सारी बातें चल रही है यूट्यूब पे, बहुत सारा हल्ला गुल्ला मचा हुआ है। हू केयर्स, जो होता है वो होगा इंशाल्लाह, जो होगा वो होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो कोफ्ते बनाते हैं अपना तड़का डाल के और फिर खाएंगे, मजे ले लेंगे। कुछ लोग तो ओ माय गॉड लास्ट वार्निंग, हम डर गए, किसको बताने के लिए निकले हैं वो लोग, एनीवेज गए वो लोग। तो आ जाते हैं अपने कोफ्तों की रेसिपी के लिए। तो ये है जी चिकन की ब्रेस्ट का कीमा, एक किलो, एक किलो से ज्यादा ही है। और मैंने जो हांडी में प्याज डालना है वो भी लहसुन अदरक सारा कुछ इकट्ठा ही पीस लिया है। चार अदद मैंने मीडियम ऑनियन डाले, वन एंड हाफ जो गार्लिक का लहसुन का गट्ठा होता है वो डाला, तीन इंच का जवा जो है वो अदरक का डाला। इस सारे को मैंने लिया पीस, इकट्ठा ही पीस लिया क्योंकि दोनों को पेस्ट ही बनाना था। तो अब मैंने क्या करना है, इसमें से दो चम्मच जो है वो मैं कोफ्तों में डाल दूंगी, टू एंड हाफ कर लेते हैं, बाकी हांडी के लिए इस तरफ डाल देते हैं ताकि मसाला भी साथ साथ ही रेडी हो जाएगा और साथ साथ में कोफ्ते भी फ्राई होते जाएंगे और मसाला भी रेडी होता जाएगा। तो मैंने इसी मसाले में से, यानी कि ये जो हमने चॉप किया है अनियन प्याज लहसुन सारा कुछ इसी में से, क्योंकि हमने कोफ्ते भी फिक्के नहीं बनाने, कोफ्तों में भी कि जब आप बुर्की के साथ तोड़े तो उनमें इतना टेस्ट हो के मजा आए, खाने वाला कहे वाह। तो ये डाल लिया, इसमें पहले मैं ऑयल डाल दूं ताकि वो अनियन जो है ब्राउन होना शुरू हो जाए। तो मैं अपनी हांडी में टू एंड हाफ दुनिया ही डालती हूँ, टू एंड हाफ दुनिया ऑयल की। तो ऑलिव ऑयल आप कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं। तो टू एंड हाफ डोइया जो है वो ऑयल की चली जाएगी इसके अंदर। तो इसको हम हल्की आंच पे रख देंगे, साथ साथ बातें करेंगे और साथ साथ में कोफ्तों को फ्राई करेंगे। मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के ऑलरेडी आंच जो है ऑन कर दिया ताकि ऑयल जो है वो फ्राई हो जाए। तो अब चलते हैं इसकी तरफ। एक अदद अंडा जाएगा इसमें, अंडा डालने के बाद जो कोफ्तों के अंदर मसाला जाना है वो बता रही हूँ। हाफ टेबल स्पून नमक टेस्ट के हिसाब से डाले क्योंकि मसाले में भी जाना है तो ज्यादा ना हो जाए। हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, वन टेबल स्पून गर्म मसाला, पिंच ऑफ हल्दी और दो बेसन के, दो खाने वाले टेबल स्पून बेसन के भून लेने हैं, उसको रोस्ट कर लेना है, वो फिर इसमें डाल देना। अगर तो आपके पास भुने हुए काले चने हैं तो बहुत अच्छा, उनको पीस लें, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप बेसन को फ्राई कर लें, ठीक है। बेसन को फ्राई करके तो अब ये सारे जो हैं हमने इस सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना, अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। तो चले मैं मिक्स करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, कोफ्ते जो है कीमा अच्छे से मिक्स हो गया, इसको हम ले आते हैं इस साइड पे। थोड़ा सा पानी बोल में जरूर रखें जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, उसमें हाथ थोड़ा सा हल्का सा डिप करें। जितने साइज के आपको कोफ्ते बनाने हैं, मैं थोड़ा साइज बड़ा ही रखती हूँ, पहले देख लूँ ऑयल गर्म भी है, बिल्कुल जी गर्म है, तो मैं थोड़ा कोफ्ते का साइज बड़ा रखती हूँ, आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं सारे कोफ्ते बना के तो इसमें स्टेप बाय स्टेप डालती जाऊंगी और फिर कोफ्तों को आपने फ्राई कर लेना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है सारे कोफ्तों को डाल के। फिर आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ,
सारे कोफ्ते डाल के आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। कोफ्ते माशाल्लाह से फ्राई हो रहे हैं, तो इनको मैं पकने दूंगी। जैसे ही एक साइड पक जाएगी तो साइज चेंज कर लूंगी और फिर जैसे दूसरे भी इसमें डाल देंगे। यहाँ पे जो हांडी का मसाला है उसका भी प्याज जो है वो ब्राउन हो रहा है। जैसे ये प्याज ब्राउन होगा तो इसमें हम अपने मसाले जो हैं वो ऐड करना शुरू कर देंगे। तो मैं उतनी देर में जाके तो आटा गूंद लेती हूँ। अच्छा जी, प्याज को ना आपने इतना ब्राउन करना है, फिर वो ना जो शोरबे का मसाले का कलर होता है ना वो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा नहीं कर लेना, फिर वो काला हो जाता है, और बहुत ज़्यादा वाइट नहीं रखना ताकि उसमें वो ऐसे लगे जैसे सालन बीमार है। तो बस इतना करना है कि सालन बहुत अच्छा रेड रेड मैरून मैरून उसका कलर आए। तो ये अभी राइट है, तो अभी इसमें हम डालते हैं अपने सारे मसाले माशाल्लाह से। तो ये हमारा प्याज, ओनियन, हर चीज़ जो है, गार्लिक, जिंजर, वो पक चुका है, किसी में भी कच्चापन नहीं है। तो अभी हम इसमें अपने मसाले ऐड करते हैं और हमारे कोफ्ते भी माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बैक कैमरे से दिखाया कि प्याज जो हम बिल्कुल हो गए हैं, तो अब इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी पानी क्योंकि प्याज सड़ ना जाए, इनका अच्छा सा कलर निकल आए। और मैंने यहाँ पे टमाटर जो है वो धो के रखा हुआ है। एक ही टमाटर ज्यादा नहीं डालना, एक ही स्मॉल या मीडियम बस डाल देना, ठीक है। बाकी सारे मसाले आपको पता ही है, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून क्रश चिली, 1 टेबलस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, ये सारे जाएंगे इसके अंदर। और अब हम मसाले को भूनेंगे 15 से 20 मिनट। और कोफ्ते जो हैं वो हो रही हैं, तो इन सबको लेती हूँ निकाल और आपको इनकी शक्ल दिखाती हूँ। ये हैं जी माशाल्लाह से कोफ्ते हमने फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। अब मसाला भूनते हैं और इनको मसाले के अंदर डालते हैं। कोफ्ते ऑब्वियसली रेडी हैं। पता नहीं किसने मुझे मैसेज किया, मेरी बहन की मेरे ख्याल से, कि आपके बच्चे और हस्बैंड ये सारी चीज़ें खा लेते हैं। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हस्बैंड को मैं जी जो फूड है वो बहुत पसंद है, आमद को खाने का खुद भी है माशाल्लाह से, आमर को खाने का शौक है और मुझे पकाने का शौक है माशाल्लाह से। यहीं के बोर्न है, बर्मिंगम में बोर्न हुए हैं, फिर लिस्बन में बोर्न हुए हैं। तो उनको खाने का बहुत 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 शौक है। ओवरसली उर्दू बोलनी नहीं आती लेकिन पंजाबी तो बोल लेते हैं। मेरे बच्चे भी ऐसे ही हैं माशाल्लाह, सिर्फ मेरी ईमान जो है सबसे बड़ी माशाल्लाह बेटी, वो बोल लेती है, समझ लेती है, ऐना थोड़ी सी समझ लेती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। छोटे जो दो हैं वो बिल्कुल भी नहीं इतना ज़्यादा बोलते और समझते, लेकिन अब हम ट्राई कर रहे हैं कि उनको भी ये आनी चाहिए, तो कोशिश जारी है। तो बाकी रही बात के खाने पीने की, माशाल्लाह मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है फूड, अमर को भी। हम अल्हम्दुलिल्लाह डिनर के टाइम पे हम सब इकट्ठे बैठ के ही अपना डिनर करते हैं, कुछ भी पका हो, चाहे इंग्लिश हो, इटालियन हो, चाइनीज़ हो या फिर देसी फूड हो। देसी फूड की तो बात ही कुछ हो रहा है ना। तो जी कोफ्ते जो है वो मेरे घर में अंडे बॉयल साथ हम करते हैं, कुछ लोग चने भी डाल लेते हैं लेकिन मेरे घर में साथ अंडे बॉयल करते हैं तो खाते हैं। लेकिन एक दिन ये रोटी के साथ खाएंगे इसलिए मैं थोड़े माशाल्लाह से ज़्यादा बनाती हूँ, और दूसरे दिन ये स्पेगेटी के साथ खाते हैं या पास्ता बॉयल कर लेते हैं, तो इस तरह ये बच्चे ये लाइक करते हैं। तो चलें जी, अब मसाले को मैं भून भून के 15 मिनट अच्छे तरीके से भून लेती हूँ। लेकिन जब हमने इसमें कोफ्ते डाले ना, फिर हमें दोई के साथ नहीं भूनना, मैं आपको दिखाती हूँ, नहीं तो फिर क्वेश्चन आ जाएंगे कैसे भूनना, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं 15 मिनट ज़रा इसको भून लूँ। अच्छा जी, ये देखिए मसाला माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसमें डालते हैं कोफ्ते डालते हैं इसमें, क्योंकि मसाले का कलर जो है वो बहुत अच्छा सा हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी, अब हम ऐड कर लेते हैं कोफ्ते। बिस्मिल्लाह, टूटते नहीं है ये, अगर आपने अच्छे तरीके से पका लिए हो तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटते। डिपेंड है, अगर आप दोई खड़ खड़ मारेंगे तो फिर ओवरसली कोई भी चीज़ टूट जाती है,
लेकिन अगर आप प्यार से इसको भूनेंगे, मैं समटाइम चमचा फेरती नहीं हूँ, मैं पकड़ के ऐसे ऐसे इसको हिलाती रहती हूँ। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा आदत हो चमचा हिलाने की तो फिर आप हिला सकते हैं। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ, डोई कभी ना हिलाएं। ये वाला चमचा लें, इसको साइड टू साइड बस इस तरह आप इसको 5 मिनट के लिए भून लें, क्योंकि अब इसको ज्यादा हमने नहीं भूनना है, क्योंकि कोफ्ते भी पके हुए हैं और मसाला भी हमारा रेडी है। तो अब हमने इसको साइड टू साइड बस ऐसे हिला के 5 मिनट के लिए भून लेना, और फिर इसमें पानी अपनी जरूरत के हिसाब से डाल लेना, और फिर मैं आपको इसकी दिखाती हूँ फाइनल लुक। जी अब दिखाती हूँ कोफ्तों की फाइनल लुक। तो ये है हमारे यमी यमी से कोफ्ते। होप आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो कोफ्तों की फाइनल लुक जो है वो आपने देख ली है। अंडे मैंने बॉईल कर लिए हैं और ठंडे पानी में डाल लिए हैं। अभी इनको करती हूँ पी और बनाती हूँ गर्मा गर्म रोटी और देती हूँ सारी फैमिली को डिनर। और मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली भी आ जाए हमारे साथ डिनर करने के लिए। सब मिल बैठ के खाते हैं, आ जाओ तो साढ़े नाल खाओ आके। तो लेती हूँ आपसे इजाजत। अगर इन आपने कुछ गलत बोला हो तो माफ कीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिए, क्योंकि मेरी दुआ में आप वक्त मेरे साथ होते, क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी फैमिली हो। लव यू मोर फैमिली। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।